सो हे गाइस, आज मैं आपको बताने वाला हूँ टू फिंगर्स थंब से पबजी की कंट्रोल्स। तो देखते हैं, आप सबसे पहले ड्राइव वगैरह इनको बीच में रख दीजिए, इनका कोई खास यूज़ नहीं आता है, तो ज़्यादा कुछ ध्यान नहीं देना। और एग्जिट बटन को आप साइड में रखिए, आपका जब मन हो तब गाड़ी से उतरिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फायर बटन को जितना हो सके, मतलब अपने हिसाब से जितना आपकी स्क्रीन हो उसको बड़ा रखिए थोड़ा बहुत, क्योंकि दबाने में आप कभी भी उंगली इधर उधर पहुँचा देते हो आप, छोड़ो। और ये बटन जो काम की नहीं होने साइड में फेंक दो कहीं भी इधर उधर। अब जैसे ये रनिंग वाला बटन काम का है, इसको थोड़ा बड़ा करो, क्योंकि कभी कभार क्या ऐसा होता है जॉयस्टिक ज़्यादा ऊपर नहीं स्प्रेड कर पाते हम, तो इसको दबा दो, दौड़ते रहो रेस लगी है। चलो, और इनकी ट्रांसपेरेंसी आपके ऊपर है, आप इसे कितनी भी रख सकते हो, 0 रख लो, 1 रख लो, पर 10 से कम होती नहीं है। फिर उसके बाद इन्हें साइड में ले लो, जितने भी थोड़े कमज़ोर बटन है, ये इमोजी वगैरह, इनका कुछ खास यूज़ नहीं आता। अगर आप अपनी सेटिंग के साथ खेल रहे हो तो आप इनको सबसे पहले रखो, क्योंकि उस समय बंदे मारने पर कम ध्यान होगा, हैंचो तुम्हें बच्चोदी करनी होगी ना सेटिंग के साथ, ये वाली बात है। फिर आगे चलो और ये एडिट करते हैं इसे, ये भी साइड में जाए। कलाकृति करने का ज़्यादा शौक है तो कृपया घर बैठ के करें, पबजी में ना करें। ये बटन मेरे को पता नहीं क्यों लगाया गया है इसमें, समझ में ही नहीं आता, छोड़ो, लगा दो कहीं भी जैसे आपकी इच्छा हो। फिर उसके बाद हम चलते हैं, अब कौन सा बटन उठाएं, इसको उठाते हैं, जंप। जंप पे आपको कुछ नहीं करना, थोड़ा बड़ा कर दो और नीचे रखिए। और उसके बाद प्रोन, प्रोन बहुत ज़रूरी काम आता है, क्योंकि लेट के हमें चलना पड़ता है। कुछ सांप होते हैं जो आपको लास्ट में दिखते हैं, तो उन्हें मारने के लिए कभी कभार लेटना भी पड़ता है, तो उसके लिए रखिए। और ये रीलोड का बटन TDM में बहुत काम आता है, इसको थोड़ा संभाल के रखिएगा। और उसके बाद इन्हें भी रख दीजिए सही से। अब फिर हम थोड़ा इनको थोड़ा बटन का साइज़ सेट कर लेते हैं, क्योंकि फायर बटन ऊपर नीचे हो रहा है। फायर बटन को सही से रखिए, और उसके बाद स्लाइड को आप कहीं भी रख दीजिए, इसका ज़्यादा काम नहीं होता पर ज़रूरत इसकी भी पड़ती है, क्योंकि 1 AM पे आप डायरेक्ट फायर करोगे तो आपको स्लाइड देनी पड़ती है बाई चांस कभी कभार, क्योंकि स्कोप 6x लगा और बंदा ज़्यादा पास है तो आपको स्लाइड का इस्तेमाल करना पड़ेगा। और फिर उसके बाद हम अब बात करेंगे मेन चीज़ पे आते हैं, स्कोप, क्योंकि स्कोप ओपनिंग में ज़्यादा टाइम लगता है। तो देखते हैं स्कोप की सेटिंग कहाँ बैठाएं, पहले स्लाइड को अलग किया, ये स्कोप को देखते हैं यहाँ, ठीक है। पर हमें अभी कुछ याद आएगा, जैसे कि हमें पीक का भी तो सेटिंग अभी सही करना है। पीक को भी आप इधर लगाइए, स्लाइड को अलग फेंकिए, अलग जाए अभी तो, अभी तेरी ज़रूरत नहीं है। पीक बटन की बहुत ज़रूरत पड़ती है, और पीक बटन पर आप स्कोप ऑन रखें, इनेबल कर दीजिए पीक्स एंड फायर पे स्मोक, वो स्कोप वाला तो अनेबल हो जाएगा, क्योंकि जैसे ही आप पीक करेंगे आपका स्कोप ऑटोमेटिक ओपन हो जाएगा। और फिर उसके बाद इस बटन को अलग रखिए, ये स्कोप को, स्कोप को आप थोड़ा छोटा रखिए, कि बाई चांस TDM में इसकी बहुत ज़रूरत पड़ती है स्कोप को ओपन करके सीधे फायर करने की। और अगर आपको 3 फिंगर वाली विथ ट्रिगर के साथ देखनी है तो आप पुरानी वीडियो देख सकते हैं, उसमें आपको मिल जाएगा, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और उसके बाद हम अब एक मैं आपको TDM खेल के दिखाता हूँ इन्हीं कंट्रोल्स पे, तो देखिए एक TDM खेल रहे हैं, स्टार्ट हो रहा है, और ये मैं ओनली स्नाइपर से खेलूँगा, देखिए आप। मार गया बटन निशाने पे आती, और ये हमने नेड फेंका, और ये पक्का इसके ऊपर फटेगा, मैं लिख के दे सकता हूँ इस बात को। ये देखा, अपने नेड से हमें खुद से ज़्यादा भरोसा हमें हमारे नेड पे, समझे? तो ऐसे नेड कभी कभार काम आ जाते हैं, मैं कुछ वो नहीं कर रहा, सच में कभी कभार काम आ जाते हैं। ये देखो, जे शेर बनने की फुल कोशिश, और इनने हमें उड़ा दिया, कोई इज्जत ही नहीं, कोई औकात ही नहीं है, जो कोई भी उड़ाया आता। चलो अब इनकी पेटी बनाएंगे, पेटी क्या बनाए, ये देखो जे जे मेरा प्लेयर मेरी छाती चढ़ रहा है, इसको कहीं जगह नहीं मिल रही, ये देखो सांप बन जाते हैं साले, इनके लिए क्लासिक भी कम पड़ जाता है सांप बनने के लिए,
खा लेंगे, यहाँ पे भी सांप बन जाते हैं, शर्म तो आती नहीं होगी इन्हें। ये देखो हट चूतिया। कहाँ जा रहा है तो जा बुआ साले, यहाँ पे भी कैंपिंग कर ले तू बैठ के। ये देखो जी आए शेर बने, और कोई रही है जिसकी ऐसी कोई खा सकता है। कहाँ जाना चाह रहा, कहाँ जाना चाह रहा, सच में इसके लिए बहुत बुरा लग रहा था मुझे, पर कोई बात नहीं, चलते आएंगे और मारेंगे सबों को, ऐसे उड़ा देंगे। कोई बड़ा शेर नहीं है, तू देख साले पीक करके मारता है, क्या समझ रहा है अपने आप को, बहुत बड़ा प्लेयर है वाह क्या पता। साले जी मेरे टीम में बार बार स्कोर बराबर पे ले आते हैं, कभी कभार मैं भी ले आता हूँ, दो किल तो मैं भी दे चुका हूँ दो तीन। और आगे चलते हैं, वीडियो को पूरा देखिए, मज़ा आएगा। बीच में बहुत बहुत ऐसे सीन है जिन्हें देख के आपका थोड़ा बहुत तो मज़ा ही आएगा, ज़्यादा नहीं। चल रहे मेरे टीममेट उड़ा ही देंगे इसको, पता है मुझे मेरी ज़रूरत ही नहीं है। Hold me close till I get up.